गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं ये आपको फर्स्ट क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है द अल्फ़ाबेट्स। द अल्फ़ाबेट्स, एन अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स दैट आर यूज्ड टू मेक वर्ड्स। यानी कि एन अल्फ़ाबेट इज़ ए सेट ऑफ लेटर्स दैट आर यूज टू मेक वर्ड्स। यानी कि कुछ इन लेटर्स का, ए बी सी डी 26 लेटर्स होते हैं, इनका यूज़ करके हम कुछ नए शब्दों को बनाते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। दीज 26 लेटर्स आर अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि दीज 26 लेटर्स आर अरेंज्ड, यानी कि जो ये 26 लेटर्स हैं, ए बी सी डी में 26 लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करके लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। द लेटर्स कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स। इन लेटर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स, बड़ी ए बी सी डी। सेकेंड है स्मॉल लेटर्स, छोटी ए बी सी डी। तो आज हम कैपिटल लेटर्स, बड़ी ए बी सी डी के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ये कैपिटल लेटर्स, बड़ी ए बी सी डी में हम ए बी सी डी को इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ये 26 लेटर्स, 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट कहलाते हैं।